अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत होंगे, फिट फाट होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं Honor Band 6 को, जो कि एक काफी जबरदस्त प्रोडक्ट है। और ये Honor की तरफ से स्मार्ट वॉच आती है, जो कि एक AMOLED डिस्प्ले के साथ आती है। तो ये काफी सस्ती वॉच है, और जिस प्राइस के अंदर आई है वो काफी अच्छी प्राइस है। तो बाकी जो कि मार्केट के अंदर जो इसकी प्राइस चल रही है वो तकरीबन 7,000 चल रही है। बाकी अगर आप हमारी Joe.PK से बाय करेंगे, जिनका ये विजिटिंग कार्ड है, अगर आप Joe.PK से बाय करेंगे तो ये आपको मिलेगी Honor Band 6 सिर्फ और सिर्फ 6,500 में, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस है। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और अगर आपने ये बाय करनी है Honor Band 6, तो सीधा आप Joe.PK से बाय कर सकते हो। ये उनका व्हाट्सएप नंबर मेंशन हो रहा होगा, और ये इनका विजिटिंग कार्ड है, ठीक है, और ये इनका एड्रेस है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इनके आप शॉप पे भी जा सकते हैं। इनका जो कि एड्रेस है वो मैं आपको थोड़ा सा रीड करके बता देता हूँ। आउटलेट फर्स्ट फ्लोर, शॉप नंबर 172, स्टार सिटी मॉल, सदर कराची। अगर आपको बाय करना है तो इजीली आप जा सकते हो। तो बाकी आज की वीडियो की क्वालिटी बताना कैसी है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही होगी। तो चलिए, अभी आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके भाई, सो ये इसका है बॉक्स Honor Band 6 का, जो कि इधर चाइनीज में लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर लिखा हुआ है इंग्लिश में Honor, ठीक है, और ये है Honor Band 6, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इधर मेंशन है Band 6, ठीक है, काफ़ी अच्छी लग रही है। अब बॉक्स ओपन करके फिर देखते हैं इसको कैसी लग रही है। बाकी इधर आपको बैक साइड पे इसके फीचर मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल चाइनीज में, बट मैं कुछ आपको पढ़ के बताता हूँ। इसका जो कि डिस्प्ले है वो 1.47 का AMOLED डिस्प्ले है, जो कि एक AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अंदर आपको NFC भी मिल जाता है, अगर आपको NFC अगर विदाउट NFC चाहिए तो वो भी आई थिंक मिल जाएगा, बट अभी जो अवेलेबल है वो NFC के वर्जन के ऊपर अवेलेबल है। तो इधर आपको ब्लूटूथ का निशान दिख रहा है। तो बाकी ये है इसका बॉक्स पैकेजिंग, अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये रही इसकी सील, ठीक है, हम इसको ईजिली रिमूव कर लेते हैं, कटर की आज ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो जैसे इधर से ओपन करेंगे तो इधर से भी यही सीन आ जाएगा, ठीक है। तो हम इधर से ओपन करते हैं, तो ये इसका QR कोड भी है, ठीक है, अगर चाहें तो स्कैन कर सकते हो आप। सो अब हम इसको ओपन करते हैं बॉक्स को अपने को, ठीक है। ओके भाई, सो जैसे ही हम अपने बॉक्स को ओपन करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ मज़ीद चीज़ें क्या आपको मिलती हैं, ठीक है। सो इधर मैं इसको रख देता हूँ, तो ओके भाई, सो आपको ये वाली चीज़ें मिलती हैं मज़ीद, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं इधर बॉक्स के अंदर, और बाकी कुछ भी नहीं है। अब हम इसको वॉच को अपनी को लेते हैं, वॉच को भी साइड में रखते हैं, ठीक है, हम वॉच को ऑन कर लेते हैं। सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपने, ठीक है। तो हमने वॉच को ऑन कर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही आप वॉच को ऑन करेंगे तो इधर से आपको ये Honor का निशान रहेगा। बाकी इधर आपको कुछ जो कि है इसका चार्जर मिल जाएगा, ठीक है, जो कि एक मैग्नेटिक चार्जिंग के साथ आता है। मैं आपको दिखा दूँ तो आप जैसे कि देख सकते हैं, तो ये एक मैग्नेटिक चार्जिंग आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये तमाम बेहतरीन है, वो भी मैं आपको चेक करके बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी आपको इसके अंदर बुकलेट्स मिल जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके की है बुकलेट्स, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर मिल जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये चाइनीज़ में होगी तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी हाँ यार ये तो चाइनीज़ में ही है। तो इधर कुछ मेंशन है फीचर, जो कि आप पढ़ सकते हो, चाइनीज़ में है बट आपको इधर प्रिंट किए हुए मिल जाते हैं, जो कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इजीली। अब हम बाकी चीज़ों को साइड में रख लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी वॉच की तरफ। तो गाइस, वॉच काफ़ी प्रीमियम है, आप जैसे कि देख सकते हो इधर Honor की ब्रांडिंग है, और यार इसकी जो स्ट्रैप्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मैं इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रैप्स को, तो कि काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है Honor Band 5। तो अब हम इसको इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो हमारी वॉच कनेक्ट हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो हमने अपने आईफोन के साथ कनेक्ट कर लिए, ठीक है। कनेक्ट करने का बहुत ही इजी प्रोसेस है, मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं आपको कनेक्ट करने का भी प्रोसेस बता दूंगा अगली वीडियो के अंदर, ठीक है, कैसे इसको कनेक्ट करके। बाकी अभी के लिए यही है, और इसके अंदर आपको वॉच फेसेस भी मिल जाएंगे, ठीक है, काफ़ी। सो अब हम आते हैं अपनी वॉच की तरफ, और इन्हें अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। सो अब आते हैं हम अपनी वॉच की तरफ। तो गाइस, वॉच आप जैसे कि देख सकते हो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के साथ आती है। बात की जाए इसके वॉच फेसेस की, तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। ये आप जैसा कि देख सकते हो काफ़ी वॉच फेसेस इसके अंदर इंस्टॉल हैं, पर इंस्टॉल वॉच फेसेस हैं, और काफ़ी अच्छी बात है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और बाकी इसके ऐप के अंदर भी आपको बहुत सारे वॉच फेसेस मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी वॉच फेसेस आपको मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको वॉच फेसेस मिल जाएंगे, और इस ऐप के अंदर भी काफ़ी आपको वॉच फेसेस मिल जाएंगे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। और ये वाला वॉलपेपर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बाकी बात की जाए इसके फीचर्स की, तो गाइस इधर आपको वर्कआउट का मिल जाता है, और हार्ट रेट का मिल जाता है, एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड्स का मिल जाता है, स्लीप मॉनिटर मिल जाता है, सीट्स का मिल जाता है,
और ब्रेकिंग है, नोटिफिकेशन वगैरह आप इसमें चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आपको वेदर का भी पता चल जाएगा, आल प्ले का भी पता चल जाएगा, स्टॉप वॉच और टाइमर, अलार्म और टच टॉर्च लाइट भी आप ऑन कर सकते हो, कि ये काफ़ी अच्छी बात है। और इधर फाइंड फ़ोन भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपका फ़ोन गुम हो जाए तो इस तरीके से होगा। तो जब तक आप इसको हिलाओगे नहीं, मैं एक मिनट पासवर्ड लगा देता हूँ अपना। तो ये जैसे कि मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है, तो ये आपको फाइंड फोन का मिल जाए। सेटिंग में हम जाते हैं, तो सेटिंग में आपको डिस्प्ले का मिल जाएगा ऑप्शन, जिसमें आप वॉच फेसेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको काफ़ी और चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये वॉच जो कि इस प्राइस के अंदर आई है। सो अब हम इसके और दूसरे फीचर को चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेटिंग में हम जाते हैं एक बार फिर से। तो इस तरह आपको इसका मॉडल नंबर बताता चलूँ तो ये देख सकते हैं ऑनर बैंड 6। तो गाइज ये इसके फीचर्स से कुछ, ठीक है। और इसके अलावा आपको हैंड फील भी काफ़ी अच्छी लगेगी, और मैं आपको पहन के भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जैसे आपको क्लियर हो जाएगी इसकी हैंड फील कैसी है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहनी हुई है, और काफ़ी अच्छी वॉच है यार इस प्राइस के अंदर, जो कि मुझे एक काफ़ी अच्छी बात लगी ऑनर बैंड 6 की। तो ये थी इसकी, ये वॉच थी हमारी, ठीक है, ऑनर बैंड 6, जो कि एक काफ़ी अच्छी वॉच है, और इसके जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में से बताऊँगा कि कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो और कोई भी आपको सवाल है वो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हो, ठीक है। और आपको बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको ये वाली बाय करनी है वॉच, तो ईजिली आप jo.pk से बाय कर सकते हो, जिनका ये विजिटिंग कार्ड है, और ये है इनका एड्रेस, और ये इनका व्हाट्सएप नंबर इधर मेंशन हो रहा होगा। तो गाइस कैसी लगी आपको ऑनर बैंड 6, ये मुझे आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, और मैं आपका वेट करूंगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी गाइस मैं आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको ऑनर बैंड 6 भी पसंद आई होगी, और उसके अलावा जो कि ऑनर बैंड 6 है वो मुझे भी काफ़ी पसंद आई है, जो कि अभी भी मेरे हाथ में ही है, और ये तमाम बेहतरीन है, और इसको जल्दी मैं यूज़ करने वाला हूँ तकरीबन 20 से 30 दिन, और आपको अच्छा सा एक रिव्यू भी देने वाला हूँ। तो नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, ना मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।